भारत के हिमालय पर्वतीय तराई एवं द्वारस चाय के घने बागानों और जंगलों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र की हरियाली और लंबाई तीस्ता, तोरसा, बारसा, जलढाका और राइडक नदी के किनारे स्थित है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ रहने वाले मुख्यतः लोग आदिवासी और नेपाली समुदाय के हैं। ये अपने जीविका के लिए चाय के बागानों, खेतों और जंगलों पर आश्रित है। काम करने के बदले काम कराने वाला व्यक्ति जो रोज मजदूरी देता है उसे रोज का दैनिक मजदूरी कहते हैं, जो सम्मानजनक होना चाहिए। क्या सरकार द्वारा पंजीकृत चाय बागान कंपनी चाय बागान के मजदूरों को सम्मानजनक रोज वेतन देती है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चाय बागान में काम करने वाले कामगारों की। मैं चांदनी बड़ा एक स्वागत करती हूँ वीडियो वॉलंटियर के साप्ताहिक शो आवाज है बुलंद में। इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे वर्षों की उपेक्षा और उत्पीड़न छुपाए हुए हैं। उत्तर बंगाल में 283 चाय के बागान हैं, जहां दिन में 3.5 लाख लोग काम करते हैं और तकरीबन 13 लाख की आबादी रहती है। खराब शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पलायन, तस्करी और गरीबी के कारण इलाके में रहने वाले कामगार आज एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हमी 7 बजे कमन में जान्छु, बेलका 4 बजे मात्र छुट्टी हुन्छ, र पनि 202 रुपए मात्र रोज छ। त्यो रोजले हामीले केही काम पुर्याउन सक्दैनौँ, न दुख बिमारमा हामी त्यो रोजले हामीलाई पुग्छ, न खानु पुग्छ, न लाउनु पुग्छ। अझै हामी यो फाल्टो फिल्टो काम गरौँ भने यो कमानको रुसले त केही पनि पुग्दैन हामीलाई। हामी एकदम डिप डिपमै बाँचिरहेको छौँ। 2015 में सरकार ने चाय मजदूरों की रोज मजदूरी तय करने के लिए लोक प्रतिनिधि के साथ साथ सरकार का अंग मिनिमम वेज एडवाइजर का गठन किया था, लेकिन पिछले 7 सालों से मिनिमम वेज एडवाइजरी डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट वेबसाइट के अनुसार ना ही कोई रिपोर्ट पेश कर पाई है और ना ही कोई काम कर पाई है। जो पुराने ट्रेड यूनियन थे उनके आवाजों को भी दबाने के लिए, उनके बातों को ना मानने के लिए सरकार और मालिकों का अलग एक प्रावधान जो ये कानून में दिया गया है, इस तरह से जो स्टैंडर्ड ऑर्डर का जो एक्ट था उसको भी धुंधला करने का काम, ये सभी इन लेबर कोड में परिवर्तन आया है। फोर लेबर लॉस को खारिज करते हुए जो फोर लेबर कोर्स लाए हैं और फॉरेस्ट एक्ट में भी जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्कर्स लोगों का काम का जो सुनिश्चितता, जॉब सिक्योरिटी से लेकर उसको मिनिमम वेज पाने की गारंटी, ये सब समाप्त हो जाएगा। खेती करने वाले लोगों की जमीन, उनका फसल भी कॉर्पोरेट्स के हाथ में चले जाएंगे। परंपरागत रूप से चाय की मजदूरी का भुगतान मुख्यतः 2 घटकों, नगद और वस्तु के रूप में किया जाता है। काइंड के नाम पर छाता, त्रिपाल, चप्पल, टोकरी, घर, पानी, बिजली, हेल्थ की बात करते हैं। मगर 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया है उसका डाटा यह है, 16,700 का घर नहीं है, 1,066 चाय बगान में हॉस्पिटल नहीं है, 110 हॉस्पिटल में घर नहीं है। जलपाईगुड़ी जिला के इंगडोंग मटियाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा से कोसों दूर है, 9 चाय बगान में 30,000 लोग रहते हैं। हॉस्पिटल जेल इंडंग से चलता भेज जेल चलता से माल बाजार इंडंग हॉस्पिटल में जाल हले दवाई मन मिले दवाई मन देवे हुआ और एक का लगे कि इंडंग पीएससी में का सुविधा होवल से अच्छा होता। हमनी के बेड रहता खुल दो दिन जाए के हुआ बैठती टैलेंट टैलेंट देता है लोग हमनी के ठीक होता। हमनी तो असुविधा वाला आदमी, हमनी के तो लेके खाने का आदमी ना खाए, हमने जाए भी नहीं सके, जेल तो बहुत मुश्किल है। मैं जेल इंडंग पीएससी में जाल से डॉक्टर मन ठीक से ट्रीटमेंट करे मिलेला मिलेला कभी मिले कभी नहीं मिले, और एक तो डॉक्टर है एक दुई गो डॉक्टर रहल से तो ठीक होता। चाय बागानों में कर्मचारियों को 202 रुपए दिहाड़ी मिलती है। गरीबी और कुपोषण के शिकार इन लोगों को
गंभीर बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया और दस्त लगने का खतरा बना रहता है। हर साल सैकड़ों मौतें होती है। 1951 में बगान श्रम अधिनियम में मिले कल्याणकारी कदमों के बावजूद चाय के बगानों में काम करने वाले कर्मचारी अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। तब तक भी उद्योग मजदूरों का फायदा उठाकर और उनके अधिकारों का हनन कर दशकों से तेजी से व्यापार करता रहा है। दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है, लेकिन इतनी ही दुर्दशा यहाँ काम करने वाले मजदूरों की है। यहाँ कोरोना कालीन स्थिति में कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद ना ही उन्हें पेड लीव मिलती थी और ना ही उन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा दी जाती है। ये कोरोना को टाइम है बाबालाई खरसाङमा एडमिट गर्नुभएको थियो, अनि एडमिट गर्दा त्यहाँ कोभिड टेस्ट गर्दाखेरि रिपोर्ट पोजिटिभ भएर चाहिँ मेडिकल रेफर गर्नुभएको थियो। अनि मेडिकलमा चाहिँ 29 दिन चाहिँ मेडिकलमा राख्नुभयो। एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले भनेको थियौँ बाबाको छुट्टी हुँदाखेरि पाएन, प्राइभेटै गऱ्यौँ हामीले। एक समझौता के तहत चाय बगान मालिक, ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच तय हुआ कि 26.50 रुपया इंडस्ट्रियल राशन के बदले दिया जाएगा और इसे दैनिक मजदूरी के साथ जोड़ कर दिया जाएगा, मगर ये अभी तक शुरू नहीं हुई है। अभी दैनिक मजदूरी 196 रुपए मिलती है और इंडस्ट्रियल राशन का 9 रुपए मिला के 202 रुपए बनता है, जिसमें 20 रुपए उनका पीएफ का कट जाता है। रिटायरमेंट के बाद चाय कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेजुटी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड काट कर जमा नहीं किया जाता और कोई भी वेलफेयर सुविधा नहीं मिलती है। सारा जिंदगी जीवन जबन कमा लो और मैं जब मोर ग्रेजुटी पीएफ पैसा मुझे क्लियर नहीं मिली, मैं मोटा मोटी 3.5 लाख रुपया ग्रेजुटी पाऊँ, पीएफ 1.5 लाख रुपया पाऊँ। सफा करता हूँ, काटा लग 35 साल तुहरे सेवा करना नहीं बगान में, तो सेवा करे कर बाद में तुहरे जब रिटायरमेंट हो गया पैसा मन नहीं दे रहा है, ये तो सब क्लियर हो नहीं। खाली 160,000 भर दी है, 160,000 पीएफ का नहीं, अभी कौन पैसा उतने दिया, कौन ने दी है, कौन ने दी है। सेवेंथ पे कमीशन 2016 में एक कैलकुलेशन बनाई थी, जिसके अनुसार 6% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को देखते हुए 24,086 मतलब हर दिन 930 मिलनी चाहिए। यह हम नहीं, सरकार की सेवेंथ पे कमीशन करती है, इसलिए हम डिमांड करते हैं चाय बगान के मजदूरों को 930 रुपए दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए। टेक्निकल सी हो या तो फैक्ट्री हो या तो चाय बगान में हो, दफादार बैदार ड्राइवर और फैक्ट्री का जितना भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में डेली लेबर से काम कराया जा रहा है। तो हम लोग का डिमांड है उन लोग का जल्द से जल्द प्रमोशन करें। इतना खाली जगह है सब स्टाफ का जगह जो खाली है, साधारण लेबर से उनको काम करवाया जा रहा है, हालांकि उनको उसको ग्रेड मिलना चाहिए जो साधारण सब स्टाफ का, टेक्निकल सी का स्टाफ लोग का जो भी LTA है, आज 2018 से आज 2021 तक में अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो मैं भी चाय बगान से हूँ और हमारा परिवार भी चाय बगान से मिलने वाले मजदूरी पर आश्रित है। हमें भी सम्मान पूर्वक जीने के लिए चावल, दाल, आटा, दवा, घर के सामग्री और कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे काम का सम्मान करते हुए उचित भुगतान अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिंपोंग क्षेत्र के 3.5 लाख मजदूरों की मांग है। इस एपिसोड में दिखाए गए सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। अगले एपिसोड में कुछ नए मुद्दे और सामुदायिक प्रयास से हुई बदलाव की कहानी को लेकर वापस मिलते हैं। तब तक कोरोना वायरस को लेकर सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।